पहुंच गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैप्पी जर्नी। फाइनली मैं आ चुका हूं एयरपोर्ट के अंदर। चेक ड्यूटी फ्री की शॉप भी नजर लिख सुंदर शुभ दिवाली की यहां पे प्राइस है 200 का। नज़ारा भी दिखाऊंगा। चलेंगे अहमदाबाद से, पर ऊपर कुछ लाइट बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा एक लगेज। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चलेंगे इंडिया से दुबई और आप भी मेरे साथ दुबई चलेंगे। आपको सिर्फ अपना वीडियो ऑन रखना है और आपको पूरा लाइव एक्सपीरियंस कराया जाएगा, जैसे कि आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। तो दोस्तों हमने बस पकड़ ली है, अब यहाँ से 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर के बाद हम पहुँचेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद से फिर हम ऑटो या टैक्सी लेके फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे। बारिश के बाद काफ़ी अच्छी हरियाली हो जाती है। वैसे ज़्यादातर बस में भीड़ होती है, लेकिन आज तो पूरी बस ही खाली है। वाओ कितनी सुंदर नदी है। दोस्तों मुझे हमेशा खिड़की वाली सीट अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सफोकेशन की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं खिड़की वाली सीट ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा शोर है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सीटीएम से हमने टैक्सी कर ली है। अब टैक्सी से हम जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद स्मार्ट सिटी है, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। अहमदाबाद की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सिटी बस के लिए स्पेशल बीच में रोड बनाया है। वैसे तो अहमदाबाद में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज ट्रैफिक बहुत कम है। नाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सामने बोर्ड दिख रहा है टर्मिनल 2 का। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम यहां से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। हम जाएंगे अहमदाबाद टू दुबई। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए इस यात्रा में और आपको सारी जानकारी मैं दूंगा, प्रैक्टिकल सब दिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हैप्पी जर्नी। तो दोस्तों ये है अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर ये एरिया को क्लोज करके रखा है। बाकी ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर सामने की तरफ बाथरूम है और इस तरफ कुछ कैफेटेरियाज है दो, और यहाँ पर दो कैफेटेरिया दिख रही है मुझे, दो क्या है कि कैफेटेरिया है। तो चलो पूछते हैं क्या रेट है एयरपोर्ट पे। भैया पफ कितने का दिया? और समोसा, समोसा 80 का दो है और पफ 80 रुपये का एक है। यहाँ पर एक कैंटीन है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और उसके बाजू में एक और है कैंटीन नेस्कैफे करके।
और यहाँ पर भी एक पटेल चाय वाला, जी पटेल चाय वाला भी है। तो ये चाय की दुकान पे हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, पूछते हैं चाय का क्या रेट है। भैया चाय कितने की है? कितने की है चाय? 35 रुपए की। और पानी की बोतल 25 रुपए की। तो चाय है 35 रुपए की और पानी की बोतल है 25 रुपए की। तो चलो चाय पीते हैं और उसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। दोस्तों अपनी वीज़ा पासपोर्ट टिकट हाथ में रखिए, क्योंकि जब आप एंटर होंगे तो वहाँ पर एक ऑफिसर खड़े होंगे और वो आपका पासपोर्ट टिकट वीज़ा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, अभी हम खड़े हैं बोर्डिंग कराने। जैसे ही हमारी बोर्डिंग होती है फिर हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद हम जाएंगे फाइनली अंदर। तो ये आप देख सकते हैं बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, सब लाइन लगा के खड़े हैं बोर्डिंग के लिए। दोस्तों आपके लगेज का, आपके सामान का वेट 30 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हाथ में आप 7 किलो ले जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर, हमारा सारा प्रोसेस हो गया है, बोर्डिंग सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब कुछ हो गया है। तो अभी मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं जस्ट यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे ये आप नज़ारा देख सकते हैं, मेरे पीछे एक ड्यूटी फ्री की शॉप भी नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर ये ड्यूटी फ्री स्टोर बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बैंक वगैरह और सरदार वल्लभ भाई स्टेचू ऑफ यूनिटी का यहाँ पे कुछ मिल रहा है। फिर ये कुछ कड़े बैंगल है और यहाँ पे लिकर भी मिल रही है, लिकर है, फिर अलग अलग तरह की लीकर है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हाँ यहाँ पे नमकीन वगैरह मिल रहा है, ड्राई फ्रूट नमकीन। फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही है। यहाँ पर भी यही सब स्नैक्स खाने पीने का सामान मिल रहा है। स्मोक जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ पे सिगरेट भी है। और ये जो फ्लाइट में बैठते हैं हम, गले में पहनने का, आराम करने का है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा ड्यूटी फ्री का स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर शुभ दिवाली के लिए रखा हुआ है, ज़बरदस्त, वाह वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा दिया जल रहा है, वाह वाह क्या बात है। ये इंटरनेशनल अहमदाबाद एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पे सामने एक दूसरा स्टोर भी मुझे दिख रहा है, वाघ बकरी टी वर्ल्ड। तो दोस्तों ये वाला स्टोर है वाघ बकरी और यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्नैक्स सैंडविच वगैरह सब कुछ मिल रहा है। एक सैंडविच की यहाँ पे प्राइस है 200-230, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पाव भाजी वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, चाय भी मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एक रेस्टोरेंट ही है वाघ बकरी। और दोस्तों यहाँ पे अंदर हैमबोर का छोटा सा स्टोर है
जिसमें आइसक्रीम वगैरह सब मिलती है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे एक लॉन्ज भी है सामने। हम लॉन्ज का भी पता करेंगे कि लॉन्ज में कैसे जा सकते हैं और कितना चार्ज लगता है, क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा मोबाइल का स्टोर है जहाँ पे मोबाइल की एसेसरी वगैरह सब मिलती है। यहाँ पर एक दुकान है मिठाई एंड मोर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंडियन मिठाई और नमकीन वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर भी एक रॉयल ड्राई फ्रूट करके है, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भी एक स्टोर है जिसमें यही सब ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और ये एयरपोर्ट लॉन्ज है, अब देखते हैं एयरपोर्ट लॉन्ज का क्या सिस्टम है, पता लगाएंगे हम। तो दोस्तों आपको जर्नी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों यहाँ पर एक सेल्फी लेंगे हम हैप्पी दिवाली के लिए। तो दोस्तों ये भी एक एयरपोर्ट के अंदर कैफेटेरिया है, टू रिफ्रेश कैफेटेरिया। ये गेट नंबर 5 के पास है। यहाँ पर भी आपको सब मिल जाएगा, सैंडविच, पफ, बर्गर, मैगी, चाय, नमकीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों हमारा गेट ओपन हो चुका है, तो फाइनली हम फ्लाइट के अंदर बैठने जा रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे गेट की ओर। तो यहाँ पर फाइनल कॉल आ चुका है कि फाइनल दुबई की ये बोर्डिंग होने जा रही है। तो आवाज़ लगाई जा रही है सबको कि जो भी पैसेंजर है दुबई के, जल्दी से आ जाओ, ये फाइनल बोर्डिंग है। तो दोस्तों हम गेट के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक फ़्लाइट खड़ी है, हम उसी फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो हमारी फ़्लाइट खड़ी है, आप देख सकते हैं कि सामने हमारी फ़्लाइट खड़ी है। तो ये फ़्लाइट का जाने का कॉरिडोर भी बना हुआ है, तो हम जाएंगे अब फ्लाइट के अंदर। और फ्लाइट के अंदर जाने के बाद मैं आपको फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है और एक बार फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी चेक की जा रही है। तो दोस्तों हम फाइनली फ्लाइट के अंदर बैठने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं, ये मैंने फ्लाइट के अंदर कदम रख दिया है। तो दोस्तों फाइनली हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये फ्लाइट आपको अंदर से कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फाइनली हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर मेरा नंबर है 23D।
awesome as long as the sun is on. Thank you. तो दोस्तों फाइनली हम फ्लाइट के अंदर बैठ गए हैं, अपनी सीट ले ली है और यहाँ से हम सीधा चलेंगे अहमदाबाद से दुबई। सीट नंबर्स की मदद से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, साथ में सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे आपकी सीट के ऊपर बने हुए हैंडपिन में ही रखें। आपातकालीन निकास के पास बैठे पैसेंजर्स अपने सामान को ओवरहेड बिन में ही रखें। धन्यवाद। To expect departure, we request all the passengers to take their seats with the help of seat numbers written on the overhead bins. Please place your hand luggage under the seat in front of you or in the overhead bin located right over your seat. दोस्तों यहाँ पे मैगजीन और सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर कागज रखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, सीट बेल्ट कैसे लगाना है, आपातकालीन स्थिति में फ्लाइट को जब लैंड किया जाता है तो आपको किस तरह डील करना है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला निर्देश है सामान का, बैगेज का। दूसरा निर्देश है कुर्सी की पेटी कैसे बांधे। तीसरा निर्देश ऑक्सीजन मास्क के लिए है। और बाकी यहाँ पर जो ये पिक्चर शो की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो दोस्तों जब भी आप फ्लाइट में पहली बार बैठने जाते हैं तो इन निर्देशों को सही से पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्पाइस राउट करके बुक है, इस बुक को हम खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। तो हमने सुरक्षा निर्देश पढ़ लिए हैं और ये वाली मैगजीन भी हमने देख ली है। फ्लाइट में सब अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। एयर होस्टेस सबको हेल्प कर रही है अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी भी एक सफ़र है दोस्तों यहाँ पर ऊपर कुछ लाइट्स और बटन दिए गए हैं। ऑलमोस्ट बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ ही देर में ये फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है। दोस्तों फ्लाइट ने उड़ान भर चुकी है, फ्लाइट अभी आसमान में है। अगर आप फ्लाइट में पहली बार बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, वैसे मुझे विंडो सीट मिलती है लेकिन आज मुझे विंडो सीट नहीं मिली है। दोस्तों इस फ्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री मील नहीं मिलता है, यानी खाने और पीने के लिए आपको ये लोग कुछ भी नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको पेड करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स लेके आया हूँ। स्नैक्स मतलब खाने
खाने वाला स्नैक्स नमकीन वगैरह वो नाग नहीं। वैसे सुबह 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट लिया था, लेकिन आफ्टरनून का टाइम है, लंच का टाइम है, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया लंच के लिए, तो अभी तो हम स्नैक्स खा कर ही गुजारा करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने साथ कुछ स्नैक्स लाया था, तो अभी भूख लग रही है, तो स्नैक्स का एंजॉय करेंगे। दोस्तों, पानी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, सिर्फ पानी ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जब आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तभी ये आपका मेल बुक कर सकते हैं, और फ्लाइट के दौरान भी आपको ये खाने के लिए फूड पेड फूड मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मेन्यू कार्ड है, अगर आपको फ्लाइट के दौरान कुछ खाने के लिए मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या रेट है। यहाँ पर नूडल्स है, 300 रुपये का नूडल्स। $350 की सैंडविच, 400। कोका कोला 100 रुपीस। थोड़ा आराम भी जरूरी है। दोस्तों, हम आ गए हैं फ्लाइट के वॉशरूम में। फ्लाइट का वॉशरूम काफ़ी छोटा है, हालांकि छोटा ही होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी आगे और भी जर्नी है। दोस्तों, कुछ ही देर में हम दुबई की धरती पर पांव रखेंगे, यानी कि हमारा फ्लाइट दुबई लैंड होने वाला है। दुबई की धरती माँ को प्रणाम। तो दोस्तों, हम दुबई लैंड हो गए हैं और फ्लाइट से बाहर निकल गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर ही
मेट्रो ट्रेन जैसे यहाँ पर ट्रेन बनी हुई है जो कि हमको टर्मिनल 3 तक पहुँचाएगी। दोस्तों ट्रेन आ गई है, ये ट्रेन वहाँ से भर के आई है, वो दूसरी तरफ खाली होगी, उसके बाद यहाँ के डोर खुलेंगे, हम यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे। दोस्तों वहाँ से जो लोग आए हैं वो सामने वाले गेट से बाहर निकल रहे हैं। अब वो वाले दरवाजे बंद हो गए हैं, अब ये वाले दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों आइए इस ट्रेन में बैठते हैं और चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। खुल जा सिम सिम। तो दोस्तों हम ट्रेन में खड़े हो गए हैं, यहाँ पर बैठने की जगह भी है लेकिन वो लेडीज़ सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए होती है, तो हम तो जवान है तो हम तो खड़े हैं। दोस्तों मेट्रो ट्रेन चलने लगी है, अब ये हमें सिर्फ 2 मिनट में पहुँचा देगी टर्मिनल 3 पर। भाई ट्रेन तो बहुत ही अच्छी है, राइड की तरह है भाई, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों हम ट्रेन से उतर गए हैं और हम अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, इमिग्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम अपने बैगेज कलेक्ट करेंगे। दोस्तों दुबई का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ऐसे एलिवेटर भी लगे हुए हैं कि आप खड़े हो जाओ और अपने आप चलते रहें। दोस्तों दुबई का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अब यहाँ पर हम अपना पासपोर्ट देंगे, वीज़ा देंगे। दोस्तों ज़्यादातर दुबई में बहुत ही लंबी लाइन होती है लेकिन आज थोड़ी लाइन कम है। ये वाली ट्रॉली हर जगह होनी चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारा सामान कलेक्ट करने के लिए, अब देखते हैं कितनी देर में हमारा सामान आता है। हमारी एक बैग आ गई है लेकिन एक बैग अभी भी नहीं आई है। हमारा एक लगेज तो आ गया है, अभी मैं दुबई ड्यूटी फ्री में आ गया हूँ। दुबई ड्यूटी फ्री में दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। भाई यहाँ तो हर तरफ दारू ही दारू, दारू ही दारू, अपना क्या काम इधर। चलो यहाँ से निकलते हैं।
दोस्तों हमको हमारा लगेज मिल गया है, तो हम फाइनली अब बाहर निकलने जा रहे हैं। तो बाहर से दुबई कैसी लगती है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बाहर चलते हैं। ये जो साइड में सब लोग खड़े हैं वो किसी न किसी को पिकअप लेने के लिए खड़े हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई घूमने कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा होता है, कहाँ रहना पड़ता है, खाने पीने का क्या बंदोबस्त होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। मेरे प्यारे दोस्तों लव यू, टेक केयर, बाय।